आप सबने मुझे चुनाव जिता करके लोकसभा सदस्य के रूप में यहां से भेजा था। हम लोग विकास के लिए प्रयास करते थे, विरोधी सरकारें हुआ करती थी, विकास नहीं हो पाता था। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश की पूरी बागडोर ही मेरे हाथों में दे करके उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में एक दायित्व तो मेरे ऊपर सौंपा है। स्वाभाविक रूप से विकास की जब बात होगी तो गोरखपुर उससे वंचित नहीं होगा, पिपराइच उससे वंचित नहीं होगा। आपने देखा होगा पिछले 11 महीनों के दौरान विकास के अनेक योजनाओं को लेकर के हम लोग लेकर के आए हैं। जो आपकी अपेक्षाएं थी, वर्षों से लंबित उन योजनाओं को लेकर के, सड़क हो, पुल हो, फैक्ट्री हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, इंटर कॉलेजेस हो, जहां भी जनता की आवश्यकता के अनुरूप कार्य करने की बात हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुक्त हस्त से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सहयोग किया। विकास की उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वर्षों से आपकी तमन्ना है, जो यहां के हर चेहरे पर खुशहाली ला सके, यहां के नौजवानों को रोजगार दे सके, माताओं और बहनों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर सके और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी दे सके, आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य प्रारंभ हुआ है।